वेलकम टू कैफो स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का यूनिट टू जो कि है पॉलीनोमियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर टू। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी पॉलीनोमियल दिया होगा उसका हमें पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू, इन तीनों की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अब जैसे यहाँ पहला पॉलीनोमियल दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो आप क्या करो, वाई की जगह सबसे पहले ज़ीरो पुट करो तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ज़ीरो, है ना। तो सबसे पहले जब मैंने यही किया, वाई की जगह ज़ीरो रख दिया, तो देखो ये पूरी वैल्यू हो गई ज़ीरो, ये पूरी वैल्यू हो गई ज़ीरो, आंसर क्या आएगा, वन, है ना। ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ये तो हो गई पी ऑफ ज़ीरो। इसी तरह अगर हमें पी ऑफ वन निकालना है तो वाई की जगह अब हमें क्या रखना होगा, वन रखना पड़ेगा। तो देखो पी ऑफ वन यहाँ कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, वाई की जगह मैंने देखो वन लिख दिया है हर जगह। अब वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, फिर माइनस वन प्लस वन। अब ये माइनस वन प्लस वन तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर, है ना, आंसर आएगा वन। तो पी ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, वन। नेक्स्ट देखो पी ऑफ टू निकालना है तो मैंने वाई की जगह क्या कर दिया, टू पुट कर दिया। अब देखो टू टू ज़ा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो टू टू ज़ा फोर माइनस टू प्लस वन, है ना, यही नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये देखो अब फोर माइनस टू क्या होता है, टू, टू प्लस वन इज थ्री, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा थ्री। तो इस तरह से मैंने पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की वैल्यू निकाल दी। आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसी तरह से ये वैल्यूज निकालेंगे। देखो नेक्स्ट पॉलीनोमियल है टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पर अब पी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो टी की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ ये तीनों ही चीज़ें, ये और ये तीनों ही टर्म ज़ीरो हो गई हैं, तो आंसर यहाँ क्या आएगा, टू। तो बीच के स्टेप्स आप लिखना चाहें लिख देना, वरना डायरेक्ट आप टू भी लिख सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पी ऑफ वन निकालना है, तो आप क्या करो टी की जगह वन लिख दो, अब इसे सॉल्व कर लेना। तो देखो सबसे पहले तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, और वन इंटू टू टू होगा, और यहाँ क्या है, वन का क्यूब वन होता है। तो सॉल्व करके एक स्टेप तो क्या आ जाएगा, देखो टू प्लस वन को मैंने थ्री लिख दिया, है ना, इन दोनों को सम करके थ्री लिख दिया है। फिर टू इंटू वन का स्क्वायर मतलब टू इंटू वन क्या होगा, टू, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, माइनस वन। अब इसे आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आंसर आएगा फोर। कैसे, थ्री प्लस टू आ गया फाइव, फाइव में से बन गए फोर। नेक्स्ट देखो पी ऑफ टू निकालना है तो आप टी की जगह टू लिख दीजिए, है ना, और अब आप सॉल्व कर लीजिए इसे। देखो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, फोर टू ज़ा एट, तो ये फोर प्लस एट माइनस टू का क्यूब क्या होता है, टू का क्यूब भी एट होता है ना, टू को टू इंटू टू इंटू टू एट होगा ना, तो सॉल्व करोगे तो फोर प्लस एट माइनस एट यही होगा। अब सॉल्व करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, फोर, है ना। तो ये आपका पी ऑफ टू की वैल्यू है यहाँ पर। इस तरह आपने तीनों वैल्यू निकाल ली। देखो नेक्स्ट पी ऑफ एक्स, अगर आपके पास एक्स क्यूब है, अब ये तो बाकियों से भी ज़्यादा आसान है। देखो पी ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो, एक्स की जगह अगर आपने वन पुट किया तो पी ऑफ वन का आंसर आ जाएगा। तो देखो वन का क्यूब क्या होता है, वन, तो यहाँ ये आंसर आ गया। अब पी ऑफ टू निकालना है तो एक्स की जगह आप क्या करोगे, टू पुट करोगे एक्स की जगह। अब टू पुट करने पे देखो टू का क्यूब क्या आता है, टू इंटू टू इंटू टू विच इज़ इक्वल टू एट, तो यहाँ पर एट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दिया है। पी ऑफ ज़ीरो जब आपको निकालना है तो आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें, है ना, तो ज़ीरो माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन क्या आएगा, प्लस वन, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, माइनस वन। अब इसे आप और कैसे कर सकते हो, देखो इजी तरीका और क्या है, यहाँ आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, है ना। पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यही दिया है। अब एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हो, है ना, और फिर आप वैल्यू पुट कर लो। एक्स की जगह अगर आप ज़ीरो रखोगे
तो 0 स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये तरीका भी है जिससे आप कर सकते हो, बाकी ये तरीका भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी ऑफ 1 अगर आपको निकालना है तो x की जगह आप क्या करो, 1 पुट कर दो। तो अब 1 माइनस 1 ये हो गया पूरा 0, है ना। 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 होता है, और 0 इंटू 2 आंसर क्या आना है अल्टीमेटली, 0 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 0। यही अगर आप ऊपर ये जो मैंने ऑल्टरनेट मेथड बताया है कि पी ऑफ एक्स अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन कर लिया बाई यूजिंग आइडेंटिटी, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, और 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1, आंसर आएगा 0 यहाँ भी। नेक्स्ट देखो, पी ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या करो, एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, वो सॉरी 2 पुट कर दोगे। तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो 1 इंटू 3 आंसर आएगा यहाँ पर 3। इसी तरह अगर मैं 2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस आइडेंटिटी में पुट करूँगी तब भी आंसर सेम ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।